पंचमः पाठः, पांच पाठ। स्फुट पद्यानि, स्फुट माने अलग अलग, पद्यानि पद्य यानी कि इस पाठ में अलग अलग पुस्तकों से लिए गए कुछ पद्य दिए गए हैं। काकः कृष्णः, पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः, पिकः पिकः। अर्थ है काकः कौआ, कृष्णः काला, पिकः माने कोयल, कृष्णा माने काला, को माने क्या, भेदा माने अंतर, पिक कोयल, काकयोः कौआ दोनों में, कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो कौआ और कोयल और कौए में कौन सा अंतर है। रंग के आधार पर दोनों ही काले होते हैं और इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। बसंत समय, बसंत ऋतु के आने पर, प्राप्ते प्राप्त होने पर, आने पर, काकः काकः कौआ कौआ है, पिकह पिकह कोयल कोयल है, ये अंतर पता चल जाता है। कब चलता है? जब बसंत ऋतु आती है और कोयल बोलना शुरू करता है तो कौए और कोयल का भेद पता चल जाता है। ऐसे ही इसमें ये शिक्षा दी गई है कि मनुष्य तो सभी एक जैसे होते हैं, उनके आकार प्रकार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब वो बोलता है, वाणी बोलता है, तो पता चल जाता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशाम परपीडनाय, खलस्य साधोः विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें बच्चों बताया है कि दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्तियों की शक्तियाँ जो कि बिल्कुल एक ही जैसी होती हैं, लेकिन वे उसका उपयोग कैसे करते हैं। विद्या विवादाय झगड़े के लिए, धनम धन, मदाय घमंड करने के लिए, शक्ति और ताकत परेशान दूसरों को परेशान करने के लिए, खलस्य दुष्ट की विद्या दूसरों से वाद विवाद करने के लिए, खलस्य धनम दुष्ट का धन घमंड करने के लिए होता है, खलस्य शक्ति और दुष्ट व्यक्ति की शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। और इसके विपरीत, एतत् विपरीतम, इसके विपरीत साधोः सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्तियों की विद्या, सज्जन व्यक्तियों की विद्या दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है, सज्जन व्यक्तियों का धन दूसरों को दान देने के लिए होता है, और सज्जन व्यक्तियों की शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। लोभात लोभ से, क्रोधा क्रोध प्रवृत्ति होता है, लोभ से गुस्सा उत्पन्न होता है। लोभात लोभ से कामः प्रजायते, और लोभ से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं। लोभात लोभ से मोहश्च, और लोभ से मोह उत्पन्न होता है, नाशश्च और नाश भी होता है। लोभः पापस्य कारणम्, लोभ ही सभी पापों का, सभी बुराइयों का कारण है। क्यों? लोभ से कितनी सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। देखिए, लोभ से क्रोध होता है, लोभ से कामनाएं होती हैं, लोभ से मोह और नाश भी होता है। तो
लोभ ही सभी बुराइयों का कारण है। लोभ माने लालच, लालच ही सभी बुराइयों का कारण है। बदनम मुख, बदन बदन माने मुख। प्रसाद सदनम, प्रसाद माने खुशी, सदन माने घर। जिसका मुख खुशियों का घर है, अर्थात जिसके चेहरे पर हमेशा खुशी मुस्कुराहट रहती है। सदयम हृदयम, सदयम सा उपसर्ग है अच्छे के लिए, दयम दया से युक्त, हृदयम हृदय है, और जिसका हृदय दया से युक्त है। सुधाम ऊंचो वाचः, सुधाम अमृत जैसी ऊंचो बोलता है वाचः वाणी, और वाणी जिसकी अमृत जैसी है, जब बोलता है तो अमृत झरता है, मधुर वाणी बोलता है। करणम कार्य, परोपकरणम परोपकार के होते हैं, और जिस व्यक्ति के कार्य परोपकार के होते हैं तो ये शाम के शाम नते बंद्याः, तो ये शाम जिसके के शाम किसके ना नहीं ते वे वंद्य वंदनीय होते हैं। तो कहो ऐसे व्यक्ति किसके वंदनीय नहीं होते, अर्थात कहने का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है, हर कोई उनका आदर सम्मान करता है। कैसे, जिनका जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, जिनका हृदय दया से भरा हुआ है, अमृत भरी उनकी वाणी है, अर्थात मधुर वाणी बोलते हैं वे, और जिनके कार्य हमेशा ही परोपकार के होते हैं, परोपकार दूसरों पर उपकार करने वाले कार्य वे करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बताओ किसके वंदनीय नहीं होंगे, अर्थात ऐसे व्यक्तियों का सभी लोग सम्मान करते हैं। के द्वारा रक्षते, रक्षा होती है धर्मो धर्म की। विद्या योगेन रक्षते, विद्या योग से रक्षित होती है। मृजिया रक्षते रूपम, साफ सफाई रूप का, रूप की रक्षा करती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल की वृत्तेन आचरण से, अच्छे आचरण से रक्षते, रक्षा की जाती है। सत्येन सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, और विद्या की रक्षा, योग माने जुड़ना, तो विद्या की रक्षा विद्या से जुड़े रहने से होती है, आप उसको नहीं पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे। और इसी तरह सुंदर अगर रूप है तो साफ सफाई रखने से ही रूप सुंदर रह सकता है, और इसी प्रकार से अच्छा कुल में जन्म लिया भी है तो उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब आचरण अच्छा रखा जाए, अर्थात सदाचार से कुल की रक्षा होती है।